नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है रायबरेली से। राहुल गांधी जीत चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, रायबरेली और वायनाड से, जहां पे रायबरेली से वह जीत चुके हैं। तो ममता, कैसा माहौल है क्या? बिल्कुल, जैसे कि राहुल गांधी की रायबरेली से लगभग जीत जो है वो तय मानी जा रही है। दो लोकसभा सीट से वो चुनाव, वो लगातार दोनों सीट से जो है वो आगे चल रहे थे। और एक बार हम अगर बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर से उमेदाराम बेनीवाल जो है 39,984 की लीड से जो है वो आगे चल रहे हैं। कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहीं इन दोनों के बीच मुकाबले के बीच में कैलाश चौधरी जो है वो इस रेस से जो है वो बाहर हो चुके हैं। नागौर की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर हनुमान बेनीवाल 42,154 से आगे हैं और उनकी लगभग जीत जो है वो मानी जा रही है। जीत का जश्न मनाने लगे। बिल्कुल, वो जीत से पहले जब नतीजे आ रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, तभी से उनके घर में जो कार्यकर्ताओं द्वारा जो जश्न है एक जीत का वो मनाने लग गए थे। और वहीं अगर बात करें जोधपुर लोकसभा सीट की, तो वहाँ पर से गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियारडा है 44,990 की लीड से। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो आगे नजर आ रहे हैं और लगभग उनकी जीत जो है वो भी तय मानी जा रही है। सीकर सीट, जहां सीकर से अगर बात करें तो अमरा राम चौधरी 65,363 की लीड से आगे माने जा रहे हैं और लगभग उनकी जो जीत है वो भी तय मानी जा रही है। चूरू से आप बताएंगे? बिल्कुल, चूरू से एक बार बताएं तो राहुल कस्वा की जीत जो है वो मानी जा रही है। बीजेपी से बागी राहुल कस्वा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। और एक बार अगर बात करें झुंझुनू की बात करना चाहेंगे, ब्रजेंद्र ओला जो है उनकी लगभग जीत जो है वो तय मानी जा रही है। और बिल्कुल एक बार गंगानगर की बात करेंगे, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा ने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। तो ये हमारे साथ खटक के साथ अपडेट रहिए, खटक के साथ अपडेट बने रहिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।